वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने खेल जगत में झारखंड का नाम 1928 ईस्वी में ही पूरे विश्व में रोशन किया था। इनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। यही है झारखंड के रियल हीरो। इनका जन्म खुट्टी जिला के टकरा गांव में हुआ था 3 जनवरी 1903 को। जयपाल सिंह छोटा नागपुर की मुंडा जनजाति से थे। ये बचपन में ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे। ये जिस स्कूल में पढ़ते थे, एक्चुअली यह मिशनरीज स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ के मिशनरीजों की मदद से इनको ऑक्सफोर्ड के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ भी ये अपने असाधारण रूप से प्रतिभाशाली को वहाँ पे दिखाया। और ये सिर्फ पढ़ाई में ही आगे नहीं थे, पढ़ाई के अलावा खेल कूद, डिबेटर, बहुत ही अच्छा वो वाद विवाद भी करते थे। और खेलकूद में उनका स्पेशल था हॉकी। इनके सांस्कृतिक गुरु का नाम सुकरा पाहन था। जसपाल सिंह का उपनाम सिंह था, जिसका मतलब सूर्य होता है। उनका चयन भारतीय सिविल सेवा में हुआ था, पर वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हॉकी में भारतीय टीम के कप्तान के रूप में उनको नीदरलैंड भेजा गया। जो ये ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत को पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था। ये देखिए 1928 के हॉकी ओलंपिक इंडियन टीम का ये पिक। जब इनके कुशल नेतृत्व के कारण ये टीम ने जब गोल्ड मेडल जीता और जब ये वापस इंडिया आए, तो उन्हें फिर से भारतीय सिविल सेवा की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, पर इन्होंने इनकार कर दिया। और ये 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन किया। इनमें एक अजब सी जादू थी। आदिवासी लोग इनका बात को सुनते थे, सभी को ये अपनी ओर खींच लेते थे। इनमें एक मोहन की अलग ही कला थी। जब आदिवासी महासभा का गठन हुआ, जिसमें ये पहली बार जयपाल सिंह मुंडा ही थे जो बिहार से झारखंड राज्य को अलग करने की मांग की थी, और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय तब आया जब उन्होंने संविधान सभा में अपनी वाक्पटुता से देश की जनजातियों के बारे में सकारात्मक ढंग से अपनी बात रखी। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा था संविधान सभा में। जब जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में झारखंड के आदिवासियों और जनजातियों के बारे में अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा, मैं लाखों अज्ञात लोगों की ओर से बात करता हूँ, फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के अज्ञात योद्धाओं की, भारत के मूल लोगों को, जिन्हें पिछड़े जनजातियों, आदिम जनजातियों, आपराधिक जनजातियों और बाकी सब कुछ के रूप में जाना जाता है। महोदय, मुझे गर्व है एक जंगली बनने के लिए। यह वह नाम है जिसके द्वारा हमें अपने देश के हिस्से में जाना जाता है। एक जंगली के रूप में, एक आदिवासी के रूप में, मुझे संकल्प की कानूनी जटिलताओं को समझने की उम्मीद नहीं है। आप लोकतंत्र को आदिवासी लोगों को नहीं पढ़ा सकते, आपको उनसे लोकतांत्रिक तरीके सीखना होगा। वे पृथ्वी पर सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं। जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड में मारांग गोमके के नाम से जाना जाता है। लोग इन्हें मारांग गोमके पुकारते थे। मारांग गोमके का मतलब होता है सर्वोच्च नेता, यानी झारखंड के सर्वोच्च नेता। क्योंकि 1938 में जब वो आदि महासभा का आयोजन किए थे, तभी उन्होंने झारखंड पार्टी का भी गठन किया था। मार्च 1970 ईस्वी में आदिवासियों के इस मारांग गोमके की मृत्यु हो गई। इस महान विभूति हमें छोड़कर चले गए। वह एक पहले ऐसे झारखंडी है जिन्हें यह सर्वोच्च गौरव प्राप्त है। इनके द्वारा किए गए विद्रोह ने अंग्रेजों को झारखंड की जनजातियों के बारे में अपनी धारणा और नीतियां बदलने पर विवश कर दिया था। क्योंकि अंग्रेज, जिन्हें असभ्य अज्ञानी समझते थे, उन्होंने ही
पूरे अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। जैसे कि मैंने और भी वीडियो में बहुत सारे विद्रोह के बारे में बताया, जो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान किया था वो है झारखंड के लोग। फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।